वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का अमल आज भी जारी। दीवार गिराकर आखिरी जंगला लगाया जाएगा। उधर गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। तारीखी इमारत की दीवार गिराना गैर कानूनी है, दरख्वास्त गुजार। कराची में डिफेंस में चोरी शुदा कार में धमाके का मामला हल। धमाका देसी साफ्ता VBIED से किया गया। धमाका बड़ा करने के लिए गैस सिलेंडर भी लगाए गए जो फट नहीं सके। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खौफ और हिरास फैलाने के लिए किया गया। DIG साउथ जावेद आलम की वजाहत, गाड़ी 10 घंटे पहले चोरी की गयी थी, शवाहिद जमा कर लिए गए। हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचेस के क्याम का मुतालबा। पंजाब बार काउंसिल के तौर पर लाहौर के मताहत अदालतों में आज जुज़वी हड़ताल। पंजाब भर में वकला आज अदालतों में पेश नहीं हो रहे। हड़ताल के बायस जजेस साहिबान अपने चैम्बर में अहम केसेस की समाअत में मसरूफ। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली का मामला। पार्लिमानी ज़ेली कमेटी का इजलास आज फिर होगा, शफकत महमूद सदारत करेंगे। पार्लिमानी कमेटी से मुतल्लिक ज़वाबिकार से मुतल्लिक ऑपोजिशन की सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत की अपनी सिफारिशात पेश करेगी। इदारों में करप्शन के खात्मे के लिए 6 नए कानून, 2 में तरमीम की तैयारी मुकम्मल। सर्विस ट्रिब्यूनल तरमीमी बिल 2018 के तहत ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती और तरक्की का खिलाफ। आला अदलिया का दायरा इख्तियार खत्म। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल को अपील सुनने और अपनी फैसले का इख्तियार सौंपने का फैसला। लाहौर ये हो जाए होशियार, मर्द हो या खवातीन हेलमेट सबके लिए लाजमी करार। मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट की पाबंदी पर अमल दरामद आज से शुरू। इब्तदाई तौर पर माल रोड पर चालान कटेगा। साइड मिरर्स ना लगाने वालों के खिलाफ भी बिला तफरी कार्रवाई होगी। CTO लियाकत अली ने वार्निंग दे दी। सबात में लैंड स्लाइडिंग से कालाम रोड दूसरे रोज भी बंद। इलाके में धंसे सयाहों और मकीनों को निकालने के लिए और सड़क की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। उधर बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पिशावर में मुख्तलिफ मुकामात पर धुंध का राज। मोटरवे और GT रोड पर हद्दे निगाह भी कम हो गई। लाहौर की मांगा मेन मार्केट में जिले इंतजामिया का ऑपरेशन मुकम्मल। सरकारी अराजी पर कायम 9 दुकानें और 300 से जायद शेड्स और इजाफी तजावजात मिसमार। 50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी पर 10 मालकान को नोटिस जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सुषमा स्वराज की जानब से वजाहत के मुताबिक ट्विटर पैगाम, कहते हैं उनके तबसरे को सिख जज्बात से जोड़ना गुमराह कुन है। हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से या तनाजात पैदा करने से तब्दीली नहीं आ सकती। भारत के साथ दो तरफा ताल्लुकात के तनाजर में गुफ्तगू की थी। करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला सिख भाइयों की दहरीना ख्वाहिशात के एहतराम में और नेक नियति और खलूक से किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत पर तंकीद। सादकाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कप्तान से मईशत संभल रही है, ना ही मुल्क चलाया जा रहा है। अब तक सिर्फ झूठे वादे किए और यू टर्न लिए। लगता है कप्तान ज्यादा देर तक हुकूमत नहीं संभाल सकेंगे। बतौर सदर अख्तियारात पार्लियामेंट को वापस किए, वरना कोई पकौड़े वाला सदर ना होता। तुमने हमारे पानी के नलके का ऑफ किया है, तुम्हारी तमाम अय्याशियों को स्विच ऑफ करने। बच्चा उसने कहा
जवाब दे कि कराची में पानी क्यों नहीं है, भैया अपने अब्बा से जवाब लो। वज़ीर आला से इंदौर के बुजरा की अयाशी कराची वालों की बदौलत है। विफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सद्दीकी का कहना है कि कराची का पानी बंद करने वालों की अयाशी का स्विच बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आड़ में लोगों को बेघर करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। कराची 70 साल से पाकिस्तान को पामाल रहा है। उन्होंने कहा कि चंद काबिजीन कराची का पानी बेच रहे हैं। अशिया को रोकने का प्लान इस्तेमाल करें, मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानी अशिया खाएं, पाकिस्तानी अशिया पहने। मईशत को सहारा देने के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अवाम से पाकिस्तानी मसनूआत खरीदने की अपील। ट्विटर पैगाम में कहा कि डॉलर की बढ़ती कीमत के बायस पाकिस्तानी करेंसी दबाव में है, अवाम दरामदी अशिया के इस्तेमाल से गुरेज करें, शहरियों का खैर मकदम। हुकूमत की पॉलिसियों की सख्त दुरुस्त, जल्द मुश्किल दौर से निकल जाएंगे। विफाकी वजीर खजाना असद उमर से पीटीआई अरकान सिंध असेंबली की मुलाकात। वजीर खजाना ने मजमू मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। अरकान सिंध असेंबली ने अपने हलकों के मसाइल और तजावीज भी पेश की। पॉलिसियों की समदुरुस्त, जल्द मुश्किल दौर से निकल जाएंगे। विफाकी वजीर खजाना असद उमर से पीटीआई अरकान सिंध असेंबली की मुलाकात। खानेवाल में कचापुर के करीब बस उलट गई, एक मुसाफिर जा बहक, बच्चों खवातीन समेत 25 अफराद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, बस फैसलाबाद से सादिकाबाद जा रही थी। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, भारत भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। राजस्थान में नवजोत सिंह सिद्धू के जलसा में पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। सिद्धू मुस्कुराते रहे, साबिक भारतीय क्रिकेटर की मोदी पर कड़ी तनकीद, कहा तमाम मंसूबे बाहर से आए, भारत में क्या पकोड़े बनेंगे। भारतीय और अफगान एजेंसियों ने कलदम तंजीमों को बलूचिस्तान में मुतहरिक कर दिया। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरी और अहम इदारों के अफसरान हदफ, भारी फंडिंग का भी इंकिशाफ। अमेरिका की तालिबान को मुज़ाकरात के लिए पतलाने के लिए कोशिशें तेज। नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल में ज़ल्मे ख़लील पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के दौरे पर रवाना। ज़ल्मे ख़लील पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्कमानिस्तान, बेल्जियम और कतर भी जाएंगे। ज़ल्मे ख़लील का तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए अफगान सदर चीफ एग्जीक्यूटिव से राबते में रहेंगे। अमरीकी इतिहादी अफवाज का शाम में ड्रोन हमला, दाइश के सीनियर रहनुमा समेत कई जंगजू हलाक। तर्जुमान अमरीकी अफवाज के मुताबिक दाइशी कमांडर अवाल इमरान अमरीकी फौजी और आम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस था। इसराइली वजीर आजम ने तजाहु रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और एतमाद को ठेस पहुंचाने के जुराम के मर्तकब करा। इसराइली पुलिस को नेतन्याहू की करप्शन के ठोस शवाहिद मिल गए। नेतन्याहू और इनकी अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश कर दी। फ्रांसीसी सदर का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज से होने वाले नुकसान का जायजा। वजीर आजम को मुजाहिदीन से मुजाकरात का टास्क मिल गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतें 3 हो गईं, 133 जख्मी, 412 मुजाहिदीन ज़ेरे हिरासत।
बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में हजारों अफराद का माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ एहतजाज। शुरका की ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए पेरिस मुआहदे में शामिल पॉलिसियों पर अमल दरामद करने पर जोर। एहतजाज में 65,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत। क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ, उनकी अहलिया और दो बच्चे लाहौर के इलाके डिफेंस में ट्रैफिक हादसे में जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। मोहम्मद आसिफ का कहना है कि अल्लाह ने हमें महफूज रखा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट मैच, शाहीनों ने केविल्स के खिलाफ सीरीज जीतने पर नजरें जमा ली। यासिर शाह तेज तरीन 200 विकेट लेने के लिए पुरउम्मीद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माजूर अफराद का दिन आज मनाया जा रहा है। कराची में माजूर अफराद की जिंदगी दुख, दर्द और मसाइल से दोचार। बुनियादी हुकूक से महरूमी के अलावा ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम नहीं है। माजूर अफराद रियासत की तवज्जो के तलबगार। और एनिमेटेड फिल्म रॉल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट का दूसरे हफ्ते भी अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। मजीद 25.8 मिलियन डॉलर कमाकर सबको बिछाड़ दिया। द ग्रिंच 17.7 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर रही। अस्सलाम वालेकुम, रॉयल न्यूज के साथ मैं हूं बुशरा रशीद और मैं हूं जवाद बाकर। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के गवर्नर हाउस की, जहां पर वजीर आजम इमरान खान की जानिब से दीवारें गिराने का हुक्म जारी किया गया था, जिस पर अमल जारी है। आपको बताएं कि मजदूर दीवारें गिरा रहे हैं और दूसरी जानिब आहनी जंगला लगाकर उसको मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का अमल आज भी जारी है। दीवार गिरा कर आहनी जंगला लगाया जाएगा तो दूसरी जानिब गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने के इकदाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। कहा गया है कि तारीखी इमारत की दीवार गिराना गैर कानूनी है, दरख्वास्त गुजार का कहना है। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का अमल आज भी जारी। जी बिल्कुल, आपको अपडेट किया जा रहा है। वजीर आजम की हदायत पर गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का अमल आज भी जारी है। जहां एक तरफ दीवार गिराकर आहनी जंगला लगाया जाएगा, वहीं दूसरी जानिब गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। तारीखी इमारत की दीवार गिराना गैर कानूनी है, दरख्वास्त गुजार का ये मतन है। आपको बताते चले अहम खबर से मुतल्लिक, वजीर आजम की हदायत पर गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का अमल आज भी जारी है। जहां एक तरफ दीवार गिराकर आहनी जंगला लगाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तारिक महमूद। तारिक महमूद, बताइएगा कि वजीर आजम की हिदायत पर गवर्नर हाउस पंजाब की दीवारें गिराने का अमल तो जारी है, दूसरी जनम लाहौर हाईकोर्ट में इस अमल को चैलेंज भी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस की दीवारों का जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जो हुक्म दिया गया था उसका अमल जारी है। और उसमें मैं आपको ये बताऊँ की उसके खिलाफ जो है एक दरखास्त जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह जो है वो अजहर सदीक की जानिब से दायर की गई थी कि ये दीवारें जो है ये गिराना गैर कानूनी। और दूसरी जानब इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो रुकन सभाई असम्बली है हिना परवेज भट्ट, उनकी जानब से पंजाब असम्बली में भी एक मजमती करारदाद जो है वो जमा कराई गई है, जिसमें उनका कहना है कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिराना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फैसला है और गवर्नर हाउस पंजाब की अलामत है। दीवारें गिरा के जंगले लगाने से डॉलर की उड़ान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता।
ये मतन है और उनका ये भी कहना है कि हुकूमत को गरीबों की जी तारीख महमूद बताइएगा कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौकिफ अपनाया गया है कि तारीखी इमारत की दीवार गिराना गैर कानूनी है, क्या ये मौकिफ दुरुस्त है? देखें, ये अभी अगर मौकिफ देखा जाए तो हम तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें बारे में बाकायदा तौर पे जो है वो हाई कोर्ट अगर कोई फैसला देती है तो फिर ये इसमें रुकावट आ सकती है, या कोई स्टे आता है तो फिर कोई रुकावट आ सकती है। और दूसरी जानब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग नूम की जानब से जो है वो हिना परवेज भट्ट जो रुकन सूबाई असेंबली है उनकी जानब से भी मजम्मती करारदाद जमा करवाई गई है, तो अभी कोई ऐसा फैसला नहीं आया ना हाई कोर्ट की जानब से ना किसी तरफ से। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वजीर आजम पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि जंगले अगर लग जाते हैं कि गवर्नर हाउस की जो दीवारें हैं उनसे तो नजर नहीं आता, जंगले लगते हैं कि गवर्नर हाउस अंदर से भी नजर आएगा, और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि यहाँ पे एक जो है वो लाइब्रेरी बनाई जाएगी लोगों के लिए और उसके साथ साथ यहाँ पे म्यूजियम भी बनाया जाएगा। तो इस हवाले से उनका ये कहना है कि ये जो एक बहुत बड़ी दीवार है जो इवाम को नजर नहीं आता है, एक बहुत चारों तरफ इसको गिराने का, क्योंकि इससे पहले जो है वो वादा कर सके चुके थे इमरान खान अपने जो उनके जलसे थे इंतखाबी जलसे, तो इस हवाले से उन्होंने जो है वो ऑर्डर जारी किया है, तो अभी जारी है और जैसे ही कोई अदालत कोई ऑर्डर देती है या कोई स्टे ऑर्डर तो फिर ये रुक सकता है। जी बहुत शुक्रिया तारिक महमूद, हमारे साथ सेल्फ लाइन पर मौजूद थे। जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की सरा अजहर सदीक का गवर्नर हाउस को गिराने के उसकी दीवारें गिराने के फैसले को आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान, वजीर आजम इमरान खान का गवर्नर हाउस की दीवार को गिराने का ऐलान गैर कानूनी है। अजहर सदीक एडवोकेट का कहना है गवर्नर हाउस की दीवार को गिराना 1975 के एंटीक्विटी एक्ट की खिलाफ वर्जी है, अजहर सदीक ने कहा। आगे बढ़ते हुए शहर काय से आपको अहम खबर से अपडेट करें, कराची में डिफेंस में चोरी शुदा कार में धमाके का मामला हल हो गया, धमाका देसी साख्ता VBIED से किया गया, धमाका बड़ा करने के लिए गैस सिलेंडर भी लगाए गए जो फट नहीं सके, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खौफ और हिरास फैलाने के लिए किया गया। DIG साउथ जवेद आलम के 10 घंटे पहले चोरी की गई थी, शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है आम खबर से मुतालिक, कराची में डिफेंस में चोरी शुदा कार में धमाके का मामला हल हो गया। आपको बताएं कि कराची में डिफेंस में चोरी शुदा कार में धमाके का मामला हल, दूसरी जानिब धमाका देसी साख्ता VBIED से किया गया, धमाका बड़ा करने के लिए गैस सिलेंडर भी लगाए गए थे जो फट नहीं सके, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खौफ हरास फैलाने के लिए किया गया। DIG साउथ जावेद आलम की वजाहत, गाड़ी 10 घंटे पहले चोरी की गई थी, शवाहिद जमा कर लिए गए हैं, धमाके को बड़ा करने के लिए खौफ हरास फैलाने के लिए गैस सिलेंडर भी इस्तेमाल किए गए थे जो फट नहीं सके, कराची में डिफेंस में चोरी शुदा कार में धमाके का मामला हल हो गया, जहां पर इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खौफ हरास फैलाने के लिए किया गया। DIG साउथ जावेद आलम की वजाहत, गाड़ी 10 घंटे पहले चोरी की गई थी, शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, कराची में डिफेंस में चोरी शुदा कार में धमाके का मामला अब हल हो गया है, धमाका देसी साख्ता VBIED से किया गया है, धमाका बड़ा करने के लिए गैस सिलेंडर भी लगाए गए थे जो बिलाखिर फट नहीं सके, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खौफ और हिरास फैलाने के लिए किया गया है। DIG साउथ जावेद आलम की यह वजाहत है, गाड़ी 10 घंटे पहले चोरी की गई थी, शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इमरान हाशमी, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। सवाल से इमरान हाशमी, बताइएगा कि शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और तहकीकात भी मुकम्मल कर ली गई है क्या? जी बिल्कुल, देखें ये सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो कार है ये तकरीबन 10 घंटे कबल जो है चोरी की गई थी, जबकि इसके साथ साथ जो है गाड़ी को सिर्फ जो इस्तेमाल किया गया है इलाके में और कराची में हम कह सकते हैं कि ये एक अफरा तफरी मचाने के लिए, खौफ हरास मचाने के लिए जो है इस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट किया गया है, और इसके साथ साथ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो जो अतराफ की जो इमारात है वहां से जो है CCTV फुटेज के थ्रू भी जो है वो इस चीज का ताउन कर पा रही है कि ये कौन लोग इस गाड़ी के अंदर आए थे, जबकि इसके साथ साथ तमाम जो शवाहिद हैं वो भी इकट्ठे कर लिए गए हैं, और इसके साथ साथ CTD जो है वो भी जो है पुलिस के साथ साथ इस कार्रवाई के अंदर कौन से अनासर शामिल हैं वो उन्हें गिरफ्तार करने की मुकम्मल कोशिशों में मसरूफ है। जी बहुत शुक्रिया इमरान हाशमी, जो कि ब्यूरो चीफ कराची से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। कराची में डिफेंस में चोरी शुदा कार में धमाके का मामला हल, धमाका देसी साख्ता
VBIED से किया गया। धमाका बड़ा करने के लिए गैस सिलेंडर भी लगाए गए जो फट नहीं सके। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खौफ हरास फैलाने के लिए किया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।